नमस्कार, जेड न्यूज डिजिटल मीडिया से मैं पंकज कुमार, डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आइए अब बात करते हैं आज तारीख 13 जनवरी 2020 के दैनिक समाचार एवं संपादकीय पेज के सारांश पर। वाम विचारधारा के लोगों के उत्पात से बचाएं, जिसमें 100 से अधिक शिक्षाविदों ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में अकादमिक माहौल बिगाड़ने के लिए वामपंथी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। चिट्ठी लिखने वालों में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय तथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। दुनिया ने जाना पाक में अल्पसंख्यकों का दमन, जिसमें पीएम मोदी ने दोहराया सीएए नागरिकता देने का कानून छीनने का हक नहीं देता। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन पर केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 13 जनवरी को पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। एक लिंक कर सकता है आपको कंगाल, संभल कर करें इंटरनेट सर्फिंग। साइबर अपराधी बदल रहे हैं ठगी का पैटर्न, अब क्यूआर कोड से खातों में लगा रहे हैं सेंध। डीएसपी और आतंकियों में हुई थी 12 लाख की डील, जिसमें आतंकियों को चंडीगढ़ ले जाने वाला था डीएसपी, हथियारों की डील भी करानी थी। पुलिस के एंटी हाईजैकिंग विंग के डीएसपी देवेंद्र सिंह का नाम सामने आया। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फिर दागे गए रॉकेट, 20 को तय होगी राम मंदिर निर्माण की तिथि। वहीं बेहतर पठन पाठन एवं उच्च व्यवस्था के लिए प्रदेश के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2017 के बाद सबसे ज़्यादा 2 लाख करोड़ रुपए की हुई कर्ज माफी, जिसमें 4.7 लाख करोड़ की कृषि कर्ज माफ। वहीं 10 बड़े राज्यों ने किसानों के 30,240 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं। 17,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा तेलंगाना ने भी की है। वहीं 2017-18 में उत्तर प्रदेश ने 36,360 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ़ किए थे एवं कृषि ऋण माफ़ करने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पीछे रहा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2022 तक सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदे युवा। वहीं योगी ने कहा देश के साथ गद्दारी सबसे बड़ा पाप। वहीं मिशन 2020 की तैयारियों में जुटी सपा में खांचे से निकलने की छटपटाहट महसूस हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं मनमानी। वहीं सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री का दो टूक, कहा मानवाधिकार के चैंपियनों को पाक के अत्याचार नहीं दिखते एवं शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा बंगाल को भी लागू करना होगा सीएए। 2 दिवसीय बंगाल प्रवास के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर करने की घोषणा की। वहीं पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय में बेलूर मठ को बताया घर। रियल इस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने की तैयारी, जिसमें कंपनियों के लिए पूंजी की कमी दूर करने व ग्राहकों के लिए मासिक किस्त का बोझ घटाने पर हो रहा है काम। गन्ने की खेती का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहा है स्वाद, बाजार की तिमाही नतीजों और विदेशी घटनाक्रम से उम्मीद। 200 और लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत, खेल इंडस्ट्री के निर्यात में बड़ी गिरावट। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वीआईपी सुरक्षा से हटेगी एनएसजी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में पॉली उमरीगर पुरस्कार। भारत व चीन को नुकसान पहुंचाने वाले एनजीओ रोकेगा नेपाल एवं अगले माह भारत आएंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे। तो आइए अब बात करते हैं दैनिक जागरण के संपादकीय पेज की, संवैधानिक मूल्यों की घातक अनदेखी नाम से लेख छपा है, जिसके लेखक हैं जगमोहन सिंह राजपूत, जो कि शिक्षा एवं सामाजिक समन्वय के क्षेत्र में कार्यरत हैं। देश के प्रमुख राजनीतिक दल जनता को यह विश्वास दिलाएं कि वे किसी भी सूरत में संविधान का मखौल उड़ाए जाने की अनुमति नहीं देंगे। लेखक कहना चाहते हैं कि इन दिनों कई घटनाएं संभवतः संविधान के प्रति असम्मान का प्रदर्शन करने के लिए ही अंजाम दी जा रही हैं। इसी कड़ी में केरल विधानसभा ने नागरिकता कानून के विरोध में एक पहल की है। केरल विधानसभा ने नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसा ही काम किया है। वास्तव में संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची जैसी 3 सूचियां हैं, इनमें नागरिकता का विषय संघ सूची में आता है। ऐसे में नागरिकता के मामले में राज्य के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना एक वैधानिक दुरुपयोग ही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसे असंवैधानिक कहा है।
इसी तरह अभी हाल ही में महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में संवैधानिक गरिमा पर प्रहार होता दिखा। वहां शपथ लेने वाले मंत्रियों ने अपने राजनेताओं का नाम लेकर अनुग्रह प्रकट किया और तब बाद में शपथ ली। यह देश की राजनीति में मूल्यों के क्षरण तथा उससे उपजे पतन की एक और मिसाल है। यह संविधान का एवं उसे बनाने वाले विद्वानों का भी अपमान ही है। वास्तव में भारत के प्रजातंत्र का इतिहास इस पतन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानेगा, चाहे वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को निष्पक्ष होकर संविधान के प्रति सम्मान बरतना ही होगा। महाराष्ट्र और केरल में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र की जड़ों पर आघात करने जैसा है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में दोनों राज्यों के राज्यपालों ने जिस गरिमा और समझबूझ का परिचय दिया वह सराहनीय है। यह एक बार फिर स्थापित करता है कि राज्यपाल का पद कितना महत्वपूर्ण है तथा आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की तो बात ही निराली है। वहां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल को प्रांगण में जाने पर द्वार बंद मिलता है और किसी जिले में जाने के कार्यक्रम बनाने पर जिलाधिकारी कहता है कि पहले राज्य सरकार की अनुमति लेकर आइए। तो ऐसे माहौल में विद्यार्थियों का अशिष्ट हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। एनआरसी सीएए एनपीआर को लेकर विरोध के स्वर जनता में अनपेक्षित नहीं है, मगर बसों का जलना, हिंसा भड़काना, रेलगाड़ियों को रोकना किसी सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं है। क्या एक उत्तरदायी विपक्ष का कर्तव्य इसे रोकना नहीं था? कहाँ गए वे प्रकांड बुद्धिजीवी जो देश में सेकुलरिज्म के लिए केवल स्वयं को ही योग्य एवं जिम्मेदार मानते हैं? वे खुद दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस देश ने जिन मूल्य आधारित शासन व्यवस्था की अपेक्षा के साथ प्रजातंत्र में प्रवेश किया था वह कहीं खो गया है। इस देश ने तमाम ऐसे लोगों को भी देखा है जो सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मूल्य आधारित राजनीति से नहीं डिगे हैं। क्या कोई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भुला सकता है? वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ध्येय वाक्य मेरा जीवन ही मेरा संदेश है जीवन पर्यंत उन पर लागू रहा। वहीं देश ने उन नेताओं को भी देखा जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने और अपने परिवार की संपन्नता के लिए नए शिखर छुए। जनता ने आपातकाल का अनुभव भी किया। अपनी तथा अपने मन की शक्ति को पहचाना और सत्ता की पारिवारिक अधिकार मानने वालों को धूल धुसारित करने में कोई कोताही नहीं बरती। इस समय जो कुछ देश में एनआरसी सीएए और एनपीआर को लेकर हो रहा है वह कुछ और नहीं बल्कि सत्ता से बाहर हुए, अपनी स्थिति से निराश तथा असुरक्षित भविष्य की आशंका से डरे हुए लोगों का अंतिम प्रयास ही माना जाएगा। बीते दिनों सीएए के विरोध में कई जगह हिंसा फैली। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हिंसक वारदातें देखने को मिली। इसमें जान माल को नुकसान भी हुआ। देश के अति महत्वाकांक्षी और जनता द्वारा तिरस्कृत नेताओं की किसी भी राज्य में कोई कमी नहीं है। राज्य से आने वाले नेताओं में मुलायम सिंह यादव और मायावती हैं। दोनों ही स्वयं को प्रधानमंत्री पद के करीब मानते हैं, जहाँ मुलायम सिंह के पुत्र ने बड़ी शालीनता से उन्हें पार्टी से दूर कर दिया है, तो वहीं मायावती को जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया है। बहुत विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को सत्ता में बिठाया, उन पर विश्वास किया, मगर मूल्यों की कमी के चलते अखिलेश ने बारी बारी से कांग्रेस और बसपा से गठबंधन किया एवं समाजवादी अवधारणा को भी ध्वस्त कर दिया। तो आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के संपादकीय पेज की, कोयले की कमाई और जंगल का बदला नाम से लेख छपा है, जिसके लेखक है सोपान जोशी, जो कि पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग उन्हीं आर्थिक नीतियों का परिणाम है जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन की त्रासदी ले आई हैं। वास्तव में अरण्य का प्रतिरोध क्या ऐसा ही होता है यह हम नहीं जान पाते। प्रकृति और वनों ने हमें बनाया है, हम उन्हें नहीं बना सकते। फिर भी इतना तो कह ही सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में वहाँ की सरकार और उसकी ओछी राजनीति का निहित स्वार्थ है। आज विज्ञान की दुनिया में इस पर कोई विवाद नहीं है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का एक ही कारण है, अंधाधुंध औद्योगिक विकास जैसे कोयला और पेट्रोलियम का जलना। इन ईंधनों का उपयोग कम से कम होने से ही इस अकल्पनीय आपात स्थिति की रोकथाम हो सकती है। साल दर साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रहा है और जलवायु का विज्ञान कहता है कि ऐसा ही होगा। 30 साल से दुनिया के सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार की मुख्य चिंता रही है कोयले का उत्पादन और निर्यात। कोयले के संसाधनों में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में 3रे स्थान पर है और कोयले के उत्पादन में भी। वहाँ पैदा बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले के जलाने से आता है। इस महाद्वीप के आकार के देश की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास है, वहीं दिल्ली और मुंबई की संयुक्त आबादी से भी कम। तब इतना कोयले का खनन वहाँ क्यों होता है? निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कोयला बिकता है उसका 40% हिस्सा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आता है।
वास्तव में कोयला जंगलों का ही एक रूप है। जो वन लाखों करोड़ों साल पहले भूचाल से धरती में समा गए थे, वही कोयला का भंडार बन गए हैं। कोयले के खनन से मुनाफा कमाने वाले ऑस्ट्रेलिया के जीवित जंगलों में सितंबर 2019 से दहक रही आग अब 2.5 करोड़ एकड़ में फैल चुकी है। आज भी ऑस्ट्रेलिया की जनता में जलवायु परिवर्तन और उसके कारणों की समझ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जलवायु परिवर्तन में अपने देश की जिम्मेदारी का सामना करने से बचते रहे हैं। उनका राजनीतिक दल जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को नकारने के लिए मशहूर है और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति ही ऐसी है कि विपक्षी दलों पर भी कोयले का सम्मोहन है। दुनिया भर में कोयला और पेट्रोलियम जलाने से हवाई कार्बन वायुमंडल में छूटता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा छोटा ही है, 1.5% ही है, मगर आबादी के अनुपात में देखें तो ऑस्ट्रेलिया बड़े देशों में सबसे ज़्यादा हवाई कार्बन छोड़ता है, लगभग अमेरिका जितना, और ऑस्ट्रेलिया अमीर देशों की सूची में भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में सन 2019 आज तक का सबसे गर्म साल रहा है। जंगल सूख गए, मिट्टी और हवा में नमी गायब हो गई, तेज़ हवाओं से एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन जाती है। कुछ जगह यह चिंगारी बिजली कड़कने से लगी है, कुछ जगहों पर आग लगने से, और अभी जंगलों में आग का दौर शुरू हुआ है। दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का सबसे तेज दौर जनवरी फरवरी में आता है। ऑस्ट्रेलिया के अमीर लोगों को वहाँ के राजनेता लग्जरी उपभोग की वस्तुओं को ना प्रयोग करने के लिए मना सकते हैं ताकि हवाई कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके और प्रकृति की चेतावनी को समझा जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा जिम्मा यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों को ही करना होगा। लेकिन इससे होने वाले नुकसान सबसे ज़्यादा उन गरीब देशों को भुगतने होंगे जो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये वही देश हैं जिन्हें साम्राज्यवाद के दौर में गुलाम बनाया गया था, जैसे भारत, बांग्लादेश और चीन। इन देशों की समृद्धि चूस कर ही अमीर देश अमीर होते गए, और वही जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और अकाल का प्रकोप बढ़ेगा और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब देश ही होंगे। तो डेली न्यूज एनालिसिस में बस आज इतना ही। धन्यवाद।